मेरा नाम आनंद कुमार पांडे, मैं यूपी आजमगढ़ से। मैं वैष्णो देवी से आ रहा था, रेलवे स्टेशन से निकला और टेम्पो पकड़ा, थ्री व्हीलर पकड़ा और वहां से आ रहा था। मेरा एक्सीडेंट हुआ, बैक साइड मार के बस वाला चला गया था। फिर हम लोग जब यहाँ आए तो मिसेज जो है होश में नहीं थी, इनको ब्रेन में लगा था और सर ने हमें बताया कि इसके ब्रेन में वो ब्लड का धब्बा जम गया है, उसको देखना पड़ेगा। मिसेज बोल नहीं पा रही थी। अजय सर यहाँ के मेन डॉक्टर हैं, जिन्होंने पहले मिसेज को देखा और उसको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कराया। आईसीयू में जाने के बाद उसका बीपी तब भी लो चल रहा था, बीपी लो होने के कारण उसको ज़्यादा क्रिटिकल सिस्टम हो रहा था, इसलिए सर ने बोला कि बीपी इसकी बढ़ानी पड़ेगी और बीपी बढ़ाया गया। उसके बाद जो है दूसरे दिन ही मेरी समस्या, मेरी मिसेज का सारा कुछ सिस्टम सही हुआ, अब ठीक हैं, पहले से बहुत ही बेहतर हैं। हम वहाँ से पहले सो के आए थे, अब चल के आए हैं, सबसे बड़ी बात ये है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सारे लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा मरीज सेक्टर 32 हो या जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आएँ, हम जल्दी आएँ, समय का बचत करें, नहीं तो हो सकता है कि मरीज़ हमारे हाथ से निकल जाए। यहाँ हीलिंग हॉस्पिटल में आने का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यहाँ इलाज तुरंत होता है, कोई भी चीज़ें समझी जाती हैं पहले, उसके बाद तुरंत इलाज किया जाता है। और मैं तो यही कहूँगा कि हीलिंग हॉस्पिटल सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है चंडीगढ़ का। आप चंडीगढ़ आइए और एक बार ज़रूर आइए यहाँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है, मैं हीलिंग हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हूँ। ये हमारे पेशेंट जो संध्या जी हमारे पास एक्सीडेंट के साथ आए थे, तो जब आए थे काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थे, बीपी काफ़ी लो था और दिमाग में चोट थी, बट हम दवाइयाँ दिमाग की चोट की दे नहीं पा रहे थे क्योंकि बीपी काफ़ी कम था। तो हमें एक तरफ तो बीपी उठाना था ऊपर और पेशेंट बेहोशी की हालत में इतना था किसी टाइम भी आईसीयू या वेंटिलेटर पे जा सकता था, बट हमने टाइमली मैनेज किया, टाइमली बीपी बढ़ाया और दवाइयाँ शुरू की और पेशेंट का अगले दिन ही हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स था कि पेशेंट हमारे सामने बेड पर लेट के बातें कर रहा था और सारी कमांड जो कर रहा था। सो जो भी हेड इंजरी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम से अगर आप किसी अच्छी सुविधा में पहुंच जाते हो जहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और जो ऐसे डॉक्टर के पास जिसको इसका थोड़ा अच्छा आइडिया है कि कैसे मैनेज करना है, तो पेशेंट का उसका आगे का कोर्स, आगे का लाइफ पे काफ़ी अच्छा जो है वो इफेक्ट पड़ता है कि वो कैसा जाता है। और हम डिले करते तो परमानेंट डैमेज होने का भी खतरा था और पेशेंट की मौत का भी खतरा था, बट टाइमली हमने मैनेज किया। पेशेंट आज हमारा स्माइलिंग फेस से वॉकिंग के साथ आया है, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। तो ये मैसेज जो है सोसाइटी में यही जाना चाहिए कि टाइमली मैनेजमेंट, जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी को समझो। हमेशा नहीं होता कि प्राइवेट में जाने से पैसे ज़्यादा लगते हैं, पैसे की बात बाद में, पहले ज़िंदगी की बात है। तो एक बार जल्दी से जल्दी कुछ ऐसे संस्था में ले जाइए जहाँ पे न्यूरो सर्जरी का अच्छा इलाज चल रहा हो, यहाँ पे आपका जल्दी से इलाज हो जाए, सो दैट मरीज की जिंदगी बच पाए। धन्यवाद।